तो भैया आज की वीडियो बेस्ड है क्यू एन ए के ऊपर, जिसके के लिए तुम सबका तो पता नहीं लेकिन मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। क्योंकि जब मैंने पोस्ट डाली थी क्यू एन ए के क्वेश्चंस के लिए, जब मुझे लगा था थोड़े बहुत क्वेश्चंस ही पूछेंगे लोग, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा नहीं और शायद ही बनाऊंगा वीडियो, लेकिन यार तुम्हारा इतना तगड़ा रिस्पॉन्स आया है, लगभग 350 से ज़्यादा कमेंट्स हैं और सारे कमेंट्स में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस हैं, और एक बंदा लगभग 5 से 6 क्वेश्चन एक साथ पूछ रहा है, और पता है कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस पूछ रहे हो तुम, जरा ये देखो। ये क्या है? तो इसलिए आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे सारे सवालों का जवाब देने की। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप वॉचिंग। तो वीडियो शुरू होने से पहले तुम्हें दो चीज माइंड में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली बात तो मैं सारे क्वेश्चंस को असेंडिंग ऑर्डर में कवर करने वाला हूँ, यानी जिस बंदे ने सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब मैं सबसे पहले देने वाला हूँ। और दूसरी चीज़, अगर वही क्वेश्चन जिसने पहले पूछ लिया है वो किसी और बंदे ने बाद में पूछा है, तो पहले वाले बंदे का ही ऑब्वियसली मैं जवाब दूंगा, दूसरे वाले बंदे को कवर नहीं करूंगा। तो इसलिए यार ऑफेंड मत होना कि तुम्हारा क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया, क्योंकि ऑब्वियसली अगर एक ही क्वेश्चन का जवाब मैं बार बार दूंगा तो ये वीडियो पता नहीं कितनी लंबी हो जाएगी। एंड दैट्स इट फॉर द अलर्ट, चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद सवाल आता है लूफी की तरफ से कि एनिमे फैंडम इतनी टॉक्सिक क्यों है, मेनली बिग थ्री। तो इसका जवाब है ये दिल है ना भाई, बच्चा है, और जब इसे कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो इसके अगेंस्ट में कोई और चीज़ ये सहन कर ही नहीं सकता। इसके बाद अगला सवाल है विच इज़ योर फर्स्ट एनिमे। तो भैया सबसे पहला एनिमे इंडिया में ऑलमोस्ट हर किसी का DBZ ही होता है, एंड आई एम श्योर तुम में से 90% लोगों का भी DBZ ही होगा। इसका DCT नेट में मुझसे 3 साल पूछते हैं। वाइफू नेम, जो कि भैया मेरी फुबू की फेवरेट एनिमे, वो है वन पंच मैन। एंड हाउ मैनी टाइम्स यू वॉच्ड ओवरफ्लो। तो इसका जवाब है अनगिनत, क्योंकि यार जब अच्छी चीज़ देखते हो तो गिनना नहीं चाहिए कि कितनी बार देख रहे हो। अगले कमेंट में आता है भैया फेस रिवील, तो वो जल्दी ही करेंगे, टिल देन हैव सम पेशेंस। इसके बाद स्प्रो ग्रेमरी का बोलना है कि भैया विनलैंड सागा और चेंसो मैन पे भी वीडियो बनाओ। तो यार पर्सनली विनलैंड सागा मैंने देखा ही नहीं है और चेंसो मैन का भी सिर्फ एनिमे ही देखा है, तो इसलिए जैसे ही मांगा तक पहुंचता हूं इनकी और पढ़ता हूं, बनाना शुरू करता हूं उन पे वीडियो, डोंट वरी। इसके बाद हैकर का सवाल है भैया ब्लू लॉक की कब वीडियोस आएंगी। तो यार मैं लाना तो चाहता हूं, लेकिन मैंने बीच में ही ट्राई करा था तो ब्लू लॉक पे व्यूज खास आए नहीं थे, पर दूसरे चैनल्स जो कि ब्लू लॉक की मांगा पे रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं उनके वीडियोस पे भी कुछ खास व्यूज नहीं आ रहे हैं, इवन पहले से कम और हो गए, तो यार थोड़ा झिझक रहा हूँ वीडियोस डालने में। इसके बाद सवाल पूछा जाता है कि तुम टोक्यो रिवेंजर्स को कवर करोगे कि नहीं। तो हाँ भाई हाँ, मैं जितनी ज़्यादा मांगा हो सके उतनी सारी को कवर करना चाहता हूँ, लेकिन यार बंदा अकेला ही हूँ, एनीमे देख कर फिर उसकी मांगा तक पहुँचना, साथ ही साथ 2 चैनलों पर रेगुलरली वीडियोज डालना, तुम सोच ही सकते हो कितना काम हो जाता है। लेकिन जल्दी से 100K करवा दो, मैं अपना एडिटर हायर करता हूँ, एंड आई विल टेल यू हर 2 दिन में एक वीडियो आया करेगी दोनों चैनल्स पर। तो भैया कैलाश चंद की रिक्वेस्ट है कि टॉम रेडर किंग, जिसका कि पर्सनली मैंने नाम सुना नहीं है, और बिगनिंग आफ्टर द एंड, सोलो लेवलिंग, इन सबका रिव्यू करो। तो रिव्यू मैं तभी करना चाह रहा हूँ जब मेरा फेस रिव्यू हो जाए, अदर चैनल पे मैं रिव्यूज ही लाया करूंगा मानवा से रिलेटेड और मांगा से रिलेटेड, एंड ऑब्वियसली एनीमे। और रही बात मांगा और मानवा में से क्या बेस्ट है, तो पर्सनली प्रेफर करता हूँ मैं मांगा। इसका अगला सवाल है ब्रो हु इज मोर पावरफुल। तो यार गोकू वर्सेस सेटामा, वैसे मैं सेटामा को चुनूंगा, क्योंकि जब तक गोकू पावर अप होने में टाइम लेगा सेटामा एक मुक्के में उसे उड़ा चुका होगा। लेकिन वहीं दूसरी बात ये भी सच है कि अगर गोकू सेटामा के शुरुआत के पंचेस को झेल गया तो एट द एंड गोकू की ही जीत होगी, तो एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता। अगला लूफी वर्सेस कायदो, अब इस पे तो मैंने रिसेंटली वीडियो भी बना दिया है जिसमें एट द एंड लूफी ही जीतता है, और ऐसा तब होता है जब वो गियर 5 को ढंग से यूज भी नहीं कर सकता। इसके बाद जोरो वर्सेस सांजी, ऑब्वियसली यार जोरो ही स्ट्रॉन्ग है, राइट हैंड मैन की तरह जो है वो स्ट्रॉइड्स का। इसके बाद बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है गैंगस्टर की तरफ से, आर यू आर ह्यूमन। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मैं हूँ चिट्टी। इसके बाद AJS708 की तरफ से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया जिसकी की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, आपकी टट्टी कौन से कलर की है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो इसका आंसर है ब्लू कलर की, जिसे कि आजकल लोग कपकेक की तरह खाते हैं। इसके बाद वो क्वेश्चन जो कि हर Q&A में हर किसी से पूछा जाता है, यू हैव गर्लफ्रेंड? तो भैया इसका जवाब मेरी तरफ से है हाँ, पर एक नहीं बहुत सारी हैं, जिनमें से कुछ ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही ये रही। इसके बाद अगला क्वेश्चन और बड़े ही जेन्युइन क्वेश्चन है फजील की तरफ से, लेकिन बंदा इतना ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है कि उसे ये विश्वास है कि उसका क्वेश्चन नहीं लिए जाने वाला। ऐसा मत किया करो यार,
फ्री की आर्मी के बंदे हो तुम। तो इन भैया का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर इंस्पिरेशन। तो भैया इसका जवाब मैं क्या ही दूं, इंस्पिरेशन तो ऐसी कुछ खास थी नहीं, लेकिन हाँ डर इस बात का था कि जॉब में तुम्हारा भाई फंस के ना रह जाए, तो इसलिए हाथ पैर थोड़े इधर उधर फेंके और यूट्यूब में चल गया अपना काम। और इसी ब्रदर का अगला क्वेश्चन ये है, व्हाई यू ज्वाइन यूट्यूब। तो यार इसका जवाब, चाहे कितने भी यूट्यूबर्स लोग पैशन क्यों ना बोले, लेकिन इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होता है मनी, जो कि मेरे लिए भी है। हाँ सिर्फ पैसों की वजह से तुम यूट्यूब नहीं कर पाओगे, लेकिन सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी पे हर किसी के पैसा ही होता है यूट्यूब में एंट्री करने के लिए। पर अगर पहली इनकम की बात करें तो हाँ आ चुकी है, और तुम सबके सपोर्ट के बलबूते पे काफी ठीक आई है। इसके बाद फिर से वही सवाल, आपकी जीएफ का नाम क्या है। अरे भैया तुम मेरी जीएफ के पीछे पढ़ क्यों गए हो, जो कि एग्जिस्ट तक नहीं करती। इसके बाद क्वेश्चन आता है, क्या खाते हो रात में। तो इस चीज का मैं सिर्फ एक वर्ड में जवाब दूंगा, हवा। इसके बाद बड़ा ही जेन्युइन क्वेश्चन है, व्हाट इज योर रियल नेम, क्योंकि मैंने ज्यादा वीडियोस में अपना नाम ही नहीं बताया। तो भैया मेरा रियल नेम है अमित शर्मा। इसका सवाल आता है, मेसी और रोनाल्डो। अब भैया पहले तो रोनाल्डो था मेरा फेवरेट, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ ये क्लियर हुआ मुझे कि एक फुटबॉल प्लेयर की सबसे बड़ी खूबी तो फुटबॉल प्लेइंग स्किल्स होनी चाहिए ना, तो वो मेसी में ज्यादा है ऑब्वियसली, बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट। इसके बाद सवाल है, जो बिजार एडवेंचर की वीडियो आएंगी। तो भैया अभी मैंने एनीमे देखा तो नहीं है, जिस टाइम के बाद मैं देखने लग जाऊंगा उसकी मांगा भी पढ़ लूंगा तो जरूर आएंगी, क्यों नहीं। इसके बाद अनिकेत का सवाल है कि आप कहाँ से हो। तो भैया मैं मथुरा से हूँ। और आप क्या करते हो। तो अभी अभी मैंने अपना कॉलेज पूरा किया है इसी साल, और फिलहाल यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ। इसके बाद अननोन गीगा का सवाल है कि आप कितने साल के हो। तो भैया मैं 21 साल का हूँ। और रही बात जॉब की, तो वो मैं बता ही चुका हूँ कि जॉब नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यूट्यूब ही कर रहा हूँ। अगला सवाल है कि तुम्हारे पहले चैनल का नाम क्या था। तो मेरा पहला चैनल था फ्री की बॉय, जिन लोगों को नहीं पता, और कमबख्त यूट्यूब की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक की वजह से वो बंद हो गया था। तो जो लोग सोचते हो बड़ी आसानी से चल गया चैनल, ये सोचने की गलती मत करना। इसके बाद अगला सवाल है, माय हीरो एकेडमी पर वीडियो आएगा। तो हाँ आएगा, पहले मैं उसकी मांगा पूरी पढ़ लूँ, पर उसका टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, तो कब आएगा एग्जैक्टली बता नहीं सकता। अगला सवाल है, ब्रो डिस्कॉर्ड पर क्यों नहीं आते। तो मैं पर्सनली बोलता हूँ, मुझे डिस्कॉर्ड ज़्यादा समझ में नहीं आता है, इसलिए तुमने देखा होगा कि मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी इतना खास अच्छा नहीं है, और ऊपर से टाइम भी नहीं मिल पाता भैया, दो दो चैनल हो गए अब तो इसलिए। लेकिन डोंट वरी, एक बार एडिटर हायर कर लिया ना तुम्हारे भाई ने, तो मैं आसानी से डिस्कॉर्ड पर टाइम दे पाऊंगा। अब इसका अगला सवाल जो है वो क्यों उठा किसी के मन में, मेरे समझ में नहीं आया भाई। अनिकेत भाई ये पूछते हैं, ब्रो तुम्हारा कितना बड़ा है, क्वेश्चन मार्क दिल। तो इसका तो सिंपल सा जवाब है, बहुत बड़ा है। अगला क्वेश्चन है SBA गेमिंग की तरफ से, कि तुम्हें एनिमे में इंटरेस्ट कैसे आया, और सबसे पहला एनिमे कौन सा है जो तुमने देखा था। तो भैया एनिमे में इंटरेस्ट तो तभी से आ गया था जब मुझे एनिमे का मतलब भी नहीं पता था, ऑल बिकॉज ऑफ DBZ, और मेरा पहला एनिमे भी वही था। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, जैन एनिमे की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि तुम यूट्यूब चैनल चलाते हो और वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं। तो इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी, क्योंकि मेरी मम्मी को पता है लेकिन पापा को नहीं पता है। अब इसके पीछे का रीजन जो कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके बिना तो मुझे जान ही नहीं सकते, भाई कौन से प्लेनेट से हो। तो इसके जवाब में सिर्फ एक चीज, अरे हमरे गोले पे तो कोनो भाषा ही नहीं है, माइंड से पतियाते हैं, कोनो कंफ्यूजन ही नहीं। इसके बाद अमीगातो की तरफ से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो वीडियो में एक्सप्लेन करते समय। तो यार कॉन्फिडेंस कुछ नहीं, इसके पीछे का रीजन पास्ट में छुपा है मेरे, जो कि मैं सोच रहा हूँ 100K पर ही रिवील करूँ कि कैसे कैसे मैंने क्या क्या चीज़ें की हैं। और इसी बंदे का दूसरा क्वेश्चन ये है कि गोजो वर्सेस सुकुना की लास्ट फाइट कब आएगी। तो अगर मेरे चैनल की बात कर रहे हो तो तुम मांगा में फाइट एक बार कंप्लीट होने के बाद एक या दो दिन में मेरे चैनल पर वीडियो ड्रॉप हो जाएगी। इनका क्वेश्चन है कि हाउ यू मेक योर वीडियोस स्पेशली स्क्रिप्ट्स। भैया तो मैं क्या बताऊँ, पूरे 1 से 2 दिन लगाता हूँ मैं स्क्रिप्ट लिखने में, पता है तुम्हें। अबे मैं स्क्रिप्ट लिखता ही नहीं हूँ, सीधे मांगा से डायरेक्टली रिकॉर्ड करता हूँ, नहीं तो तुम्हें क्या लगता है इस चैनल पे इतनी जल्दी वीडियोस अपलोड हो पाती। इसके बाद अजूर का सवाल है, फेवरेट एनिमे, जो कि मैं बता चुका हूँ। फर्स्ट एनिमे जिसका कि आंसर है कोई भी नहीं, क्योंकि मैं सबसे पहले एनिमे के रिव्यूज देख लेता हूँ, उसके बारे में जान लेता हूँ, तब जाके एनिमे शुरू करता हूँ। भैया अननोन एनिमे में ऐसे ही थोड़ी टाइम वेस्ट करूंगा। इसके बाद आयजन की तरफ से एक क्वेश्चन है, ब्रदर डू यू लाइक ओपापाई। अरे भैया कल ही इस चीज का मतलब पता चला और आज तुम्हारा मैंने कमेंट देख भी लिया, और इसका आंसर है 100% यस, व्हाई नॉट। इसके बाद बी माइंड्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज योर यूट्यूब इनकम। सर इस चीज का जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा, इस पे एक डिटेल्ड वीडियो आएगी फ्यूचर में, सो स्टे ट्यून्ड। अगला सवाल है प्रियंकर सिंह का, जो कि ये पूछ रहा है कि सोलो लेवल की वीडियो कब से बनाओगे। तो भैया पर्सनली मैं तो बहुत डरता हूँ वीडियो बनाने से, क्योंकि मेरा चैनल तो बंद हुआ ही था सोलो लेवलिंग की वीडियोस की वजह से,
लेकिन साथ ही साथ मैंने दो चैनल और देख लिए हैं जो कि बंद होते होते बचे हैं। और रही बात ब्लैक क्लोवर की, तो उस पर वीडियो आना शुरू हो जाएंगी अगले मंथ से, यानी मिड अगस्त के अराउंड। अगला क्वेश्चन है कि मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। तो भैया फ्यूचर प्लान्स तो काफ़ी सारे हैं जिससे तुम सब सरप्राइज हो जाओगे, लेकिन यार 100K का टारगेट सरपास करने के बाद ही हो पाएगा वो सब। बाकी रही बात क्रश की, तो आज तक नहीं बनी मेरी एक भी। अगला क्वेश्चन किसी रैंडम बंदे का ये है कि मुझे क्या चीज़ मोटिवेट करती है इस टाइप की वीडियोस बनाने के लिए। तो मोटिवेशन कुछ नहीं, कंटेंट क्रिएटर बनना ही था ये मैंने पहले से ही ठान रखा था, और कई चैनल्स ट्राई करे जिनमें से कई मोनेटाइज नहीं हो पाए और कई मोनेटाइज हुए तो बंद हो गए, लेकिन फाइनली अपना एनिमे फ्रीक चैनल दौड़ पड़ा। और रही बात जैपनीज और इंग्लिश डब में चूज करने की, तो भैया मैं जैपनीज डब ही चूज करता हूँ। इसके बाद काकाशी सिन्हा का सवाल है कि मेरी अर्निंग क्या है, और अगर नहीं बता सकता तो एक्शन फिगर्स के थ्रू बताऊं कि कितनी अर्निंग हुई थी पहले मंथ में। तो यार मैं 7,000 के एक्शन फिगर लगभग 6-7 खरीद सकता हूँ आसानी से। लेकिन इस चीज को सुनते हुए ये बात जरूर याद रखना कि मेरी पहली वीडियोस काफी ज्यादा वायरल गई थी इन कंपैरिजन टू जो अब जा रही हैं। सो आई होप इट हेल्प्स। इसके बाद मोहम्मद जी का सवाल है कि कितना टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में। यार अगर 20 मिनट से ऊपर जा रही है वीडियो तो मिनिमम 3 दिन लग जाते हैं। अगला क्वेश्चन एस्थेटिक बॉय की तरफ से ये है कि मैं मांगा कहाँ से रीड करता हूँ। तो सिंपली गूगल पर सर्च कर लो और क्या। और दूसरा क्वेश्चन इसी बंदे की तरफ से ये है कि इतनी क्लियर वॉइस कैसे करी जाए अपनी वीडियोस में। तो भैया इसका मैं क्या ही जवाब दूँ, मैंने खुद बिना ईयरफोन्स के सिर्फ फोन पर रिकॉर्डिंग करके वीडियोस बनाई है शुरुआत में, जिस वजह से उसमें वॉइस भी क्लियर नहीं आई है। उसके बाद मैंने ईयरफोन्स पे चालू किया, उसके बाद अब जाके मैंने एक माइक खरीदा है, और माइक के साथ मेरी पहली रीसेंट वीडियो ही है लूफी वाली। सो इट प्रूव्स डेट बोलने का तरीका तगड़ा होना चाहिए आवाज के कंपैरिजन में। इसके बाद क्वेश्चन है मधु की तरफ से कि क्या मैं वन पीस के सारे सीजन्स का रिकैप करने वाला हूँ अपने दूसरे चैनल पे। तो इसका जवाब है बहुत बड़ा यस, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है भूपेंद्र की तरफ से, जिनके की पास सिर्फ एक क्वेश्चन है कि मैं इतने अमेजिंग वे में वीडियोस कैसे बनाता हूँ। इसका मैं क्या ही बोलूं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रेड एक्स की तरफ से, जो कि ये पूछना चाह रहा है कि मैं क्या अपनी वॉइस दूंगा एनिमे करेक्टर के पीछे और उनको अपने दूसरे चैनल पे अपलोड करूंगा। तो हाँ ऐसा किया तो जा सकता है, लेकिन उसके लिए भैया एडिटर्स चाहिए और भी लोग चाहिए काम करने को, स्क्रिप्ट चाहिए। तो इसलिए जैसे ही 100K पूरे होते हैं तो सोचते हैं इस बारे में। इसके बाद चिंग काम का क्वेश्चन है कि तुमने कितने एनिमेस देख लिए अभी तक। तो भैया इसका जवाब है पता ही नहीं। सही बता रहा हूँ, कोई भी एक ऐसा महीना नहीं जाता जिस महीने मैं कोई एनिमे देख ना लूँ, यानी उसकी पूरी सीरीज ना देख लूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्यूडी लाइंस की तरफ से, चूंकि कुछ टिप्स मांग रहे हैं एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाने की। तो ऐसी कोई खास टिप्स तो नहीं है जो कि मैं इस वीडियो में तुरंत ही बता सकूं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ट्रेंडिंग एनिमे पे मांगा या फिर एनिमे एक्सप्लेनेशन डालना शुरू करो। इसके बाद इसी बंदे का क्वेश्चन है कि कौन सा एडिटिंग सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ। तो इसका जवाब है फिल्मोरा। दैट्स इट यार आज की वीडियो में इतना ही। आई नो बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए हैं, लेकिन यार मुझे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि तुम इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लोगे। तो सॉरी अगर किसी क्वेश्चन में कवर नहीं कर पाया हूं। बाकी एक क्वेश्चन जो कि सबसे ज्यादा पूछा गया है कि फेस रिवील कब होगा, तो इसका आंसर है आफ्टर 100K, क्योंकि फेस रिवील के साथ साथ और भी काफी सारे सरप्राइजेस हैं मेरे पास फ्री की आर्मी के लिए। तो इसलिए जल्दी से जल्दी यार 100K करा दो। बाकी 50K के लिए वेरी वेरी थैंक यू, मैंने कभी नहीं सोचा था इतनी स्पीड से मेरे 50K कभी हो पाएंगे। हाँ भागो।